प्रेम अमीरी गरीबी राजा रंग का भेद नहीं करता, और इसी बात का गवाह है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बना गुजरी महल, जिसकी दीवारें राजा मानसिंह और मृगनैनी की अमर प्रेम कहानी से रंगी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोनारद। आज मैं आपको एक ग्वालिन की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसने अपने राज्य के राजा से शादी करने के लिए 3 शर्तें रख दी थी। ग्वालियर की सांक नदी के पास बसे राई गांव में एक सुंदर ग्वालिन निन्नी अपने भाई के साथ रहती थी। भाई बहन शिकार करने में माहिर थे और उसी से अपना गुजर बसर करते थे। सिकंदर लोदी के आक्रमण में उनके माता पिता मारे गए थे। बात सन 1506 के आसपास की है। सिकंदर लोदी और ग्यासुद्दीन खिलजी ने कई बार ग्वालियर के किले पर धावा बोला, पर वे हर बार असफल रहे। बाद में खींच कर उन्होंने आसपास के गांवों को लूटना शुरू कर दिया और अक्सर उनका शिकार होती थी उन गांवों में रहने वाली सुंदर भोली भाली लड़कियां। निन्नी ने ग्यासुद्दीन खिलजी के 2 लुटेरे सिपाहियों को मार गिराया था और ये खबर बिजली की तरह आसपास के गांवों में फैल रही थी। गांव के पुजारी ने ये बात ग्वालियर के राजा मानसिंह को बताई। राजा ने उस बहादुर लड़की से मिलने की इच्छा जताई और राई गांव के पास शिकार के लिए पहुंच गए। जब राजा मानसिंह ने निन्नी को शिकार करते हुए देखा तो वे उस पर मुग्ध हो गए। निन्नी ने अरना भैंसे को अपने तीरों से घायल कर दिया था और उसके सींगों को पकड़कर उसकी गर्दन ऐंठ दी। निन्नी की वीरता और सुंदरता पर मोहित होकर राजा मानसिंह ने विवाह का प्रस्ताव भिजवा दिया। तब निन्नी ने राजा के सामने 3 शर्तें रख दी। पहली, उन्हें अपने गांव से निकलने वाली सांक नदी का पानी चाहिए। दूसरी शर्त, उनके लिए अलग से एक महल होना चाहिए। तीसरी शर्त, युद्ध के क्षेत्र में वे राजा के साथ ही रहेंगी। मानसिंह ने उनकी 3 शर्तें मान ली। मृग जैसी बड़ी बड़ी आंखें होने की वजह से निन्नी को बाद में उन्होंने मृगनैनी का नाम दिया और गुजरी महल का निर्माण करवाया। गुजरी महल परंपरागत हिंदू भवनों की तरह चौरस है, जिसके बीच में एक बड़ा सा चौक और आसपास बाग बगीचा है। यहाँ के खंभे तथा दीवारों पर नक्काशीदार काम किया गया है, जो देखते ही आपका मन मोह लेता है। साथ ही यह प्रेम का भी प्रतीक है। राजा मानसिंह तोमर ने सांक नदी से गुजरी महल तक एक पाइपलाइन डलवाई। यह पाइपलाइन आज भी मौजूद है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट में बताइए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें गोनारद और बनाएं अपना हर दिन बेहतर।